आज मैं मेरी माँ के लिए आईफोन खरीदने वाला हूँ, इसलिए सुबह सुबह माँ के साथ मिलकर दो झोली पैसे गिनने लगता हूँ। घर में जितने सारे पैसे थे सबको निकाल दिया, लेकिन अभी भी 15,000 रुपए कम हो रहा था, इसलिए मैं दुकान चला गया। पापा भी पैसे कमाने के लिए कड़ी धूप में सामान बेचने चले गए। दुकान में पूरे दिन बैठने के बाद सिर्फ चिल्लर ही कमाया। इन पैसों से आईफोन नहीं आ पाएगा यार, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। लेकिन मुझे आज ही माँ को आईफोन गिफ्ट देना था, इसलिए घर आकर जल्दी जल्दी नहा लिया और मेरी बहन के हाथों का खाना फिनिश करके हटिया चला गया। लेकिन यहाँ पे भी दूसरों के दुकान में कस्टमर था पर मेरे दुकान में एक भी नहीं। मेरे दुकान का सब सामान वैसा का वैसा रखा हुआ था, पता नहीं कब बिकेगा। हटिया से आकर आईफोन लेने के लिए शाम की ट्रेन पकड़कर मैं मनोज देव के साथ धनबाद पहुंच जाता हूँ। इतना बड़ा शहर में पहली बार आया, मेरा दिल खुश हो गया। मेरा भाई भी मेरे साथ आया था, वो अपनी गर्लफ्रेंड का पैसा चुरा कर मुझको दिया ताकि मैं आईफोन खरीद सकूं। पूरा शहर घूमने के बाद हम लोग मनोज देव का दुकान पहुंच जाते हैं और जल्दी जल्दी माँ के लिए आईफोन खरीद लिया। अब मेरी माँ भी महंगा मोबाइल चलाएगी। रात की ट्रेन में बैठकर माँ को सरप्राइज करने के लिए घर चला गया। फिर मेरी माँ को हम गरीबों का ये सस्ता सा आईफोन दिया। मैंने मेरी माँ के साथ धोखा कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग हो ना गाइस प्लीज मेरी माँ को ओरिजिनल आईफोन दिलाने में मेरी मदद करो। एक छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।